यूपी के उन्नाव में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर टैंकर और डबल डेकर बस की टक्कर हो गई, जिसके बाद बस कई बार पलट गई। इस हादसे में 18 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि डबल डेकर बस यूपी 95 T4720 बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली आ रही थी, जब बस सुबह करीब 4:30 बजे उन्नाव के बेटा मुजावर थाना क्षेत्र के गड़वा गांव के सामने पहुंची, तभी पीछे से तेज रफ्तार दूध से भरे टैंकर ने ओवरटेक किया और इसी दौरान बस से टक्कर हो गई। ये हादसा इतना भीषण था कि डबल डेकर बस के परखच्चे उड़ गए। जहां हादसा हुआ उस जगह लाशों का अंबार लग गया। इस हादसे की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी थी। सूचना मिलते ही बांगरमऊ के इंस्पेक्टर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांगरमऊ पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने 18 लोगों को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल यात्रियों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। मरने वालों में 14 पुरुष, 3 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है। उन्नाव के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा सामने आया है, जिसमें डबल डेकर बस दूध के कंटेनर से टकरा गई है, जिसमें 18 लोगों की मौत और 19 लोग गंभीर रूप से घायल है। जो डेड बॉडीज है वो बांगरमऊ के CCS हॉस्पिटल पहुंच चुकी है और जो लोग घायल है उनको उन्नाव के जिला अस्पताल में लाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। ये इमरजेंसी वार्ड है उन्नाव जिला अस्पताल का, जहां पर जो डॉक्टर्स है वो लगातार इलाज कर रहे हैं। यहां ये इंजर्ड लोग यहां पे लाए जा रहे हैं। प्रथम दृश्य जो हमारे पास सूचना आई है, उसमें यही लग रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी, बाकी इलाज के लिए हमारी तैयारी है। सब लोगों ने 6 नंबर कंट्रोल रूम तक वो जारी भी कर दिए हैं, जो अलग अलग जनपद होते हैं इसमें निवासित कर सकते हैं, कुछ देश के भी थे, कुछ बिहार के थे, वो उस नंबर पर फोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। वहीं इस हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है और अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने एक्स पर लिखा, जनपद उन्नाव में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी इस हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि जनपद उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के अधिकारियों को सभी घायलों के समुचित उपचार हेतु निर्देश दे दिए गए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।